हाय फ्रेंड्स। तो जैसा कि प्यारे दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था क्या, डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षा। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आपको क्लास पिछली जो कराई थी उसके अंदर बच्चे ने मुझसे बोला है, सर थोड़ा सा हमारा क्या है डाउट रह गया, और उसको डाउट को सर क्लियर करा दीजिए, कि जो आपने क्लास दी सर वो क्लास हमारे थोड़ा समझ में नहीं आया था, नया टॉपिक। तो प्यारे दोस्तों, नए टॉपिक के लिए मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, काफी लंबा क्वेश्चन है, 5 लाइन का क्वेश्चन है लगभग, और मैं ये कह रहा हूँ गारंटी के साथ, इसमें पूरे फॉर्मूले लगाइए, आपको जो आते हैं मतलब फॉर्मूले नहीं फंडे, ठीक है ना, अपने पूरे फंडे फिक्स करेंगे इसके अंदर। और ये क्वेश्चन कर लिया हमारी ये टाइप क्लियर, ठीक है भैया दोस्तों, हमने ये क्वेश्चन कर लिया। जैसे मैंने आपसे लास्ट टाइप में उसमें बोला था, लास्ट वाला क्वेश्चन डिग्री वाला, कि हमने डिग्री वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आपका पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार ये मैंने एक सिलेक्ट किया है क्वेश्चन, और यदि इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों, यदि इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं तो आपका ये वाली टाइप क्लियर हो जाएगी, ठीक है प्यारे दोस्तों। एक बार आप उतार लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ, इसके लिए आप आराम से इस वीडियो को यहीं पे रोक के और उतारिए। देखो मैं पढ़ भी देता हूँ, एक बार समझ में नहीं आ रहा तो प्यारे दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो ये है कि राजू उत्तर की ओर मुंह करके 20 किलोमीटर चलता है, ठीक है यार दोस्तों, फिर वह अपनी दाईं ओर घूमा और 20 किलोमीटर चलता है, फिर 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर घूमा और 20 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर घूमा और 20 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपनी बाईं ओर घूमा 20 किलोमीटर चलता है। अब राजू का मुंह किस दिशा में है, ठीक है प्यारे दोस्तों, ये मैंने आपको पूरा पढ़ के बता दिया है, वेरी इजी क्वेश्चन है, कोई नहीं है, केवल ये लैंग्वेज को बहुत बड़ा कर दिया है। आपके जो क्वेश्चन आएगा, एक और एक दो और ये आदि, समझ में आई बात, एक और एक दो और ये आदि, केवल 2.5 लाइन का ही क्वेश्चन आएगा, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। ये तो मैं केवल आपको समझाने के लिए कि आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाओ, इसलिए मैंने आपको इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है, बाकी ऐसा कोई मोटिव नहीं है प्यारे दोस्तों, आप आराम से इजी वे में क्वेश्चनों को कर पाओगे। चलो प्यारे दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, जैसे यहां तक शायद आपको दिख रहा होगा प्यारे दोस्तों, एक बार देखता हूं मैं, यहां पे दिख रहा नहीं दिख रहा आपको, हाँ ठीक है प्यारे दोस्तों, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए प्यारे दोस्तों, मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा और अंडरलाइन करते चलेंगे अपन, पहले इसकी दिशा इंगित कर लेते हैं हम। देखो जो मैं चीजें बता रहा हूं उनको वैसे वैसे फॉलो करना, चित्र बनाया उसके बाद में उत्तर यहां दे दिया हमने, दक्षिण यहां, पूर्व और यहां पे पश्चिम, ठीक है भाई दोस्तों, इतना आपके समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर, तो भाई दोस्तों इसको देखिए, राजू उत्तर की ओर मुंह करके 20 किलोमीटर चलता है, यहां तक हमने क्लियर कर लिया, कहा उत्तर की ओर मुंह करके चलता है कितना, 20 किलोमीटर उत्तर की ओर मुंह कायम करें दोस्तों, ये तो यहां पे मान लो ये 20 किलोमीटर आ गया, ये आपका 20 किलोमीटर हो गया, ठीक है दोस्तों। अब मैं किलोमीटर नहीं लिखूंगा, ओनली 10-20 से अपन बात करेंगे, क्योंकि 20 भी ज्यादा होने वाला है, ठीक है, फिर ऊपर से अपन मिटा के फिर बड़ा चित्र मैं बना दूंगा, ठीक है ना, तो उसको उतार लेना। अभी समझो कि यहां से उत्तर की ओर गया कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर, उत्तर की ओर मुंह करके 20 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर, किधर, दाईं ओर, तो इसका राइट हैंड साइड कौन सा है प्यारे दोस्तों, इधर, ये देखो इधर आएगा राइट हैंड साइड, इधर, ठीक है ना, इधर, तो दाईं ओर घुमा और 20 किलोमीटर चला, यहां तक कंप्लीट हो गया, दाईं ओर घुमा और कितना चला प्यारे दोस्तों, 20 किलोमीटर, तो यहां पे भी 20 आ गया, कोई दिक्कत, ये भी 20 और ये भी 20, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब देखिए आप, फिर 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में चला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना पड़ेगा दोस्तों, कि वो 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में चलता है। इसके बाद उत्तर पूर्व दिशा कौन सी है दोस्तों, बताओ, तो आप कहोगे सर इन दोनों की जो बीच की दिशा होती है ये वाली, वो उत्तर पूर्व होती है, तो प्यारे दोस्तों मैं ये कह दूं आपसे कि ये इधर चला है, ठीक है प्यारे दोस्तों, आप यही कहोगे कि सर ये इधर चला है, ठीक है, और वो कितना चला है, 10 किलोमीटर, तो थोड़ी लाइन को हम छोटी कर देते हैं रूल के अनुसार, तो हमने लाइन को छोटी कर दी, 20 से आधा कर दिया जस्ट, ठीक है भाई दोस्तों, तो उत्तर पूर्व दिशा में चल गई,
कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर, यहां तक कंप्लीट। अब इसके बाद में ये देखिए आप, फिर वह अपनी दाई ओर घुमा, कहां पे? दाई ओर, राइट हैंड साइड। तो इसका राइट हैंड साइड ये रहा, तो इधर घुमा गया दोस्तों। देखो अच्छे से बनाना, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे चलना चाहिए, कोई भी व्यक्ति चलेगा तो 90 डिग्री के एंगल पे चलेगा, इस बात का ध्यान रखना। हाँ कई बच्चे कहेंगे सर ये भी 90 डिग्री पे जाना चाहिए, 90 डिग्री पे जाएंगे तो उत्तर में चले जाएंगे हम, ठीक है ना। तो इसलिए उत्तर पूर्व में जाने के लिए 45 डिग्री पे हमको लेना होगा। अब यहां से फिर अपन 90 पे चलेंगे, ठीक है, राइट हैंड साइड 90 पे। तो क्या कह रहा है, दाई ओर घुमा और 20 किलोमीटर चला, उत्तर पूर्व में चलने के बाद फिर वह अपनी दाई ओर घुमा, दाई ओर घुमा और 20 किलोमीटर चलता है। तो यहां पे 20 किलोमीटर चला, तो फिर प्यारे दोस्तों तो थोड़ा सा बड़ा इसको हमने कर दिया, समझ में आ गई बातें। अब हमने इसको इधर घुमा दिया, इसके बाद क्या कहता है प्यारे दोस्तों कि फिर वह अपनी दाई ओर घुमा, इसके बाद फिर कहां पे घुमा है? दाई ओर घुमा। तो इसका राइट हैंड साइड कौन सा हो गया प्यारे दोस्तों, बताओ? इसका राइट हैंड साइड इधर आएगा 90 पे, बिल्कुल बिल्कुल 90 पे इधर आएगा, ठीक है। दाई ओर घुमा और 20 किलोमीटर चलता है, कितने किलोमीटर? 20 किलोमीटर चलता है। तो 20 किलोमीटर हम यहां पे बोलेंगे कि मेरे प्यारे दोस्तों ये लगभग इतना आ गया 20 किलोमीटर, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब इसके बाद देखिए, और फिर वह अपनी बाई ओर, किधर? बाई ओर घुमा, ठीक है प्यारे दोस्तों। कितना कहां घुमा? बाई ओर घुमा। अब इसका बाया कौन सा है? जैसे मैं इधर आ गया प्यारे दोस्तों, अब ये मेरा राइट तो ये रहा, मैं नीचे जा रहा हूं ऐसे, तो मेरा राइट तो इधर आएगा और लेफ्ट इधर आएगा, ठीक है। तो मैं ये कह दूंगा मेरा राइट इसका लेफ्ट, ठीक है, मेरा जो राइट होगा इसका लेफ्ट होगा। तो ये इधर घुमा 90 पे, ठीक है, बाई ओर घुमा और 20 किलोमीटर चलता है। यहां से भी कितना गया प्यारे दोस्तों? ये 20 किलोमीटर गया इधर, ठीक है प्यारे दोस्तों। अभी 90 पे गया बिल्कुल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखो, अब राजू का मुंह किस दिशा में है? तो अब प्यारे दोस्तों यहीं से पता चल गया होगा कौन सी दिशा में जा रहा है, ये दक्षिण पूर्व दिशा में जा रहा है। तो यहीं से देख लो, या फिर आप यहां पे छोटा सा चिन्ह बना दो, तो ये दिशा कौन सी आ गई? दक्षिण पूर्व। तो आप क्या कहोगे? सर दक्षिण पूर्व दिशा में ये जा रहा है, तो आपका आंसर ये आ चुका है, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, इसके लिए मैं बड़ा चित्र बना देता हूँ, एक बार देखता हूँ आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो मैं कोशिश ये करूंगा बड़ा चित्र बना दूं। लेकिन प्यारे दोस्तों इजी वे में आपको दिख रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारे लिए। तो एक क्वेश्चन के सहारे मैंने आपको ये टाइप दोबारा समझाने की कोशिश की है प्यारे दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है, बस घुमाने की बात बोलेगा आपसे, घुमाने में आपको ध्यान ये रखना है, चलेगा इस दिशा, जब अपने घर से चलेगा तो इस पे चलेगा, ये पॉइंट से चलेगा, उसके बाद में इसके जो चलेगा वो 90 पे चलता है हमेशा। अब तो इसने दिशा बोल दी, ठीक है ना, दिशा नहीं बोलता है तो ये बिल्कुल 90 पे चलता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम एक तो हमने ऐसे चला दिया और उसके बाद हम ऐसे चला देंगे। ये दिशा बीच वाली दिशा होती है, इन दोनों की बीच वाली दिशा होती है, ये वाला नहीं चलाएंगे। और कई बच्चे ऐसे कर देते हैं, सर ये 90 तो हमारा ऐसे बनता है लेकिन हम ऐसे बना दे तो कोई गड़बड़ है क्या? गड़बड़ हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये जो दिशा है वो दोनों के बीच की दिशा इंगित करता है, ठीक है भाई दोस्तों। ये गलत हो जाएगा आपका और ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल इसको नोट डाउन कीजिए। मैं आपके लिए सेकंड टाइप है उसका भी एक क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा इसी तरह से। चलिए प्यारे दोस्तों, मैंने आपके लिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड टाइप का वो मैंने आपके लिए, सेकंड टाइप हमारी क्या थी प्यारे दोस्तों? कोण परिवर्तन के अनुसार दिशा ज्ञात करने पे आधारित प्रश्न। देखो प्यारे दोस्तों, हो सकता है ये टाइप में थोड़ा शब्द का उल्टा फेर हो गया हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइप हमारी यही थी, ठीक है प्यारे दोस्तों। आप उसके लिए भी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है और इस क्वेश्चन को भी आप नोट डाउन कीजिए, मैं इतने पढ़ के बताता हूँ आपको क्या है प्यारे दोस्तों। पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा एक व्यक्ति, क्या? पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा एक व्यक्ति दक्षिणा वृत्त दिशा में 45 डिग्री कोण पर घूमता है। कौन सी दिशा में प्यारे दोस्तों? 45 दक्षिणा वृत्त दिशा में 45 डिग्री कोण पर घूमता है, और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री और वामावृत दिशा में 270 डिग्री घूमता है। तो अब बताइए उसका मुंह किस दिशा की ओर? बहुत इजी क्वेश्चन है, और मैं प्यारे दोस्तों आपके लिए ये कहूंगा
कुछ भी मत करना, मैं आपको जो शॉर्टकट बता रहा हूँ वो शॉर्टकट इसमें आप लगा देना। अब बच्चा मेरे से बोल रहा था कि सर आपका शॉर्टकट समझ में नहीं आया, तो प्यारे दोस्तों वापस से मैं बताना चाहूंगा आपको, पहले हम लॉन्ग कट पे चलते हैं फिर चलेंगे शॉर्टकट पे, ठीक है? तो देखिए आप, एक मिनट बेटा फोन आ गया है। तो प्यारे दोस्तों जैसा कि अभी क्या है, फोन आ गया था इसलिए मैंने वो थोड़ा सा मिस्टेक रह गया था। अभी देखिए प्यारे दोस्तों, मैं आपको समझा रहा था कि पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा एक व्यक्ति, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशा को इंगित करोगे पहले, ठीक है प्यारे दोस्तों? इसके बाद में क्या करना है आपको, एक एक लाइन पढ़ते चलना है। पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा एक व्यक्ति, ठीक है? पश्चिम कहाँ है प्यारे दोस्तों, ये रहा, इधर मुंह करके खड़ा एक व्यक्ति, ठीक है? दक्षिणावर्त दिशा में, अब दक्षिणावर्त दिशा क्या होती है, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, मतलब ऐसे ऐसे, ये घड़ी की दिशा है, ठीक है? हाँ चलो वो चीज मैं आपके लिए करा दूंगा, बच्चे क्या कंफ्यूजन था वो मैं करा दूंगा। दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री कोण पर घूमता है, तो प्यारे दोस्तों इधर घूमना है इसको 45 डिग्री कोण पे, तो शायद यहां पे आएगा, ये 45 डिग्री कोण हो गया आपका यहां से और यहां तक, कंफर्म प्यारे दोस्तों, यहां से और यहां तक 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, ठीक है प्यारे दोस्तों? और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री घूमता है, और उसी दिशा में 180, देखो प्यारे दोस्तों 180 कभी भी चलना हो ना तो हम जानते हैं 180 की लाइन होती है कि नहीं होती, जैसे एक 90 का और एक 90 का दोनों मिला के कितने हो जाएंगे 180 का, या फिर मैं आपसे कह दूं प्यारे दोस्तों कि 180 की लाइन होती है, ठीक है ना? अब इसके बाद में अपन को 180 चलना है, तो आप ऐसे करो इसको सीधा एक लाइन बना दो, ठीक है प्यारे दोस्तों? आपने एक लाइन बना दी, अब ये सीधा कितना हो गया 180 डिग्री हो गया, देखो ये वाला कोण 180 डिग्री हो गया, ठीक है? अब 180 डिग्री पे यहां पे आ गए, क्लियर कर दोस्तों? अब देखो इसके बाद में क्या कह रहा है, 180 डिग्री पे फिर वामावर्त दिशा में 270 डिग्री घूमता है, वामावर्त दिशा में मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में 270। अब देखो प्यारे दोस्तों यहां से उल्टा चलना है वापस ऐसे, ठीक है ना? तो ये 180 में, ये 180 तो ये हो गया, और अपन को लेना है 270, तो इसमें से इसको घटाओगे कितना बचेगा बताओ यार दोस्तों, 90 डिग्री, कितना बचेगा 90 डिग्री। देखो 180 में से 200 में तो 80 20 तो हो रहे, और 70 ये रहे, कितने रहा 90 डिग्री, तो यहां से 90 चलना है यार दोस्तों, तो आप कहोगे कि यहां से जब 90 बनेगा तो 45 तो ये, 45 ये, मतलब 45 तो ये रहा और 45 ये रहा, तो ये कितना हो गया 90 हो गया प्यारे दोस्तों। तो अब देखिए ये 270 यहां पे आ गया, तो अब ये पूछ रहा है यहां से उठ के यहां पे, तो ये 270 हो गया है प्यारे दोस्तों। अब क्या पूछ रहा है, अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो आप क्या क्या कहोगे प्यारे दोस्तों कि सर अब ये दिशा कौन सी आ गई, दक्षिण और पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है, ठीक है प्यारे दोस्तों? तो आपका आंसर ये आ चुका है, इसको उतार लीजिए। अब मैं बात करूंगा आपसे शॉर्टकट, शॉर्टकट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है बच्चे का वो दूर करना चाहता हूं प्यारे दोस्तों। जैसे ये आपकी क्लॉक है, ठीक है, ये 12, ये 3, ये 6 और ये कन्फर्म प्यारे दोस्तों। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जैसे ये घड़ी की सुइयां हैं, ठीक है, देखो यदि मैं क्लॉकवाइज बोलता हूं तो क्लॉकवाइज होता है घड़ी की दिशा में ऐसे, मतलब ये ऐसे चलेगी, मतलब घड़ी की सुइयां कैसे चलेंगी, ऐसे चलेंगी, ठीक है, इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। समझ में आ गया दोस्तों? अब देखिए हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, ठीक है? अब यदि ये उल्टी चले, क्या ये यदि उल्टी चले ऐसे, ठीक है,
तो इसे क्या बोलूंगा, एंटी एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं, वामावृत। क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, वामावृत, वामावृत। ठीक है, अब देखो मैं यहां पे जो क्लॉकवाइज है, क्या कह रहा हूं दोस्तों, यहां पे जो क्लॉकवाइज है उसको ले रहा हूं पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव भाई, घड़ी की दिशा में चल रहा है तो क्या लेंगे हम, सीधी सी बात है पॉजिटिव। और यदि घड़ी की विपरीत दिशा में ले जाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, सपोज दैट नेगेटिव। समझ में आ गई, इतनी बातों को याद रखना है, चित्र उतार लो प्यारे दोस्तों। इस वीडियो को यहीं पे रोक लो आप और इस चित्र को उतार लो, मैं भी इसको मिटाने जा रहा हूं प्यारे दोस्तों, क्योंकि आगे कुछ अपन को शॉर्टकट करना है। ठीक है, क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव। चलो प्यारे दोस्तों अब देखो हम शॉर्टकट पे आते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब तो कर लिया बच्चों ने, लेकिन आप शेयर करते रहो अपने ग्रुपों में, जिससे अपने जो बच्चे हैं व्यूअर्स सबको जुड़ते रहे और बच्चों तक सभी तक क्लास पहुंचे। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब देखो कुछ क्या कुछ नहीं करना शॉर्टकट में, शॉर्टकट में केवल इतना काम करना है कि जो पहली दिशा ले रखी है उसको पकड़ लेना है। कैसे, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, कहां पे बैठा दोस्तों, पश्चिम की ओर। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, उसके बाद कुछ भी दे रखा हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो ये देखो 45 डिग्री कहां पे घूम रहा है, दक्षिणावर्त, दक्षिणा मतलब पॉजिटिव। समझ में आई बात, दक्षिणावर्त कहां पे घूम रहा है, वो 45 डिग्री घूम रहा है। फिर उसके बाद भी और फिर उसी दिशा में, मतलब दक्षिणावर्त दिशा में कितना घूम रहा है, दक्षिणावर्त दिशा में 180। फिर मैं क्या कहूंगा कि 180 दक्षिणावर्त दिशा में घूम गया। इसके बाद में वामावर्त, ये आ गया वामावर्त, वामावर्त दिशा में कितना घूम रहा है दोस्तों, 270। तो ये 270 आ गए माइनस के। ठीक है दोस्तों, अब वो किस दिशा में है, बस अब ये मान लो आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, पॉजिटिव ले लिया अपने, वामावर्त दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त और वामावर्त उल्टा। अब आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए प्यारे दोस्तों, जब जाके आपका आंसर आएगा। देखो जब इन दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव की संख्या है, ये भी पॉजिटिव की संख्या है, ठीक है ना, तो कितना हो गया प्यारे दोस्तों, देखो 5, 8 और 4, 12 का 2 हासिल की, 2 और 2, मतलब इन दोनों को जोड़ने पे कितना हो गया 225। और 270 में से 225 को निकालेंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि ये बड़ी संख्या है ये छोटी संख्या है, किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, तो बचा 5, यहाँ के कितना रह गया 6, 6 में से 2 गया तो 4। ठीक है ना, कंप्लीट। अब देखो प्यारे दोस्तों ये किसका आएगा, नेगेटिव, किसका आएगा, नेगेटिव, क्योंकि माइनस वाली संख्या क्या है, ज्यादा है यहाँ पे, क्या है, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस के 45 डिग्री। इतना काम आपने कर लिया। ठीक है प्यारे दोस्तों, मतलब हमने पॉजिटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव को नेगेटिव घटा बढ़ा के जो संख्या आ रही थी उसको हमने लिख दिया। अब देखो मुंह किधर था उसका, पश्चिम की ओर, कहां था, पश्चिम की ओर, पश्चिम से अपन को 45 डिग्री उल्टा चलना है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, माइनस। ठीक है, माइनस के लिए मैंने क्या बोला था कि आपको उल्टा चलना है ऐसे। ठीक है, अब आपका दिशा कहां, मुंह कहां था, यहां पे था, पश्चिम की ओर था। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब कितना चल रहा है, 45 डिग्री माइनस में, मतलब ऐसे चलना है 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री है प्यारे दोस्तों। तो अब आप ये बताइए क्या आपका आंसर में ये नहीं था क्या, है ना, तो आपका आंसर क्या आया था, दक्षिण पश्चिम, ये तो आंसर था आपका, वेरी इजी हो गया। अब हमको कुछ नहीं करना, सर सीधा जोड़ना है, पहली दिशा पकड़नी है जो हमको दे रखी है, उसके बाद उतना ही घुमा देना है लास्ट में जितना आए। उतार लीजिए इसको बेहद दोस्तों, चलिए प्यारे दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। और जैसे कि मैंने आपको 2 यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं नेक्स्ट टाइप के, तो नेक्स्ट टाइप, एक मिनट, नेक्स्ट जो टाइप है आपके प्यारे दोस्तों, दूरी व दिशा ज्ञात करने पे आधारित प्रश्न। ठीक है प्यारे दोस्तों, दूरी और दिशा ज्ञात करने पे आधारित प्रश्न है, और कहां से, प्रारंभिक स्थान से।
से, ठीक है। ये पैर दोस्तों प्रारंभिक स्थान लिख रखा है, अगर दिख नहीं रहा फोकस से तो आप लिख लेना, ठीक है। अब प्यारे दोस्तों मैं बात करता हूं सीधे क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है, आकाश घर से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर साइकिल चलाता है, ठीक है, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है, यहां से अपने उसे सीधे घर जाने पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल चलानी होगी। दूसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, मोहन 15 मीटर पूर्व की ओर चलने के बाद दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, वह पुनः दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, अब प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर है, ठीक है दोस्तों। दोनों टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन मर्ज हैं, तो हम देखते हैं दोनों क्वेश्चनों को ही सॉर्ट आउट करके, ठीक है दोस्तों। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको नहीं आएगा, आराम से आ जाएगा, ठीक है। देखिए, आकाश घर से 10 किलोमीटर उत्तर दक्षिण दिशा में साइकिल चलाता है, ये तो बनाना ही है आपको, ठीक है, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, आकाश 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर साइकिल चलाता है, दक्षिण की ओर कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, दिखेगा नहीं आपको, 10 किलोमीटर है, ठीक है प्यारे दोस्तों। अच्छा, अब चलते हैं, फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, अब इसका राइट हैंड साइड किधर है प्यारे दोस्तों, इधर, ठीक है ना, यदि मैं नीचे जाऊंगा तो मेरा राइट हैंड साइड इधर है, तो राइट हैंड साइड मुड़कर कितना जाता है, 5 किलोमीटर जाता है, इसका राइट हैंड साइड ये रहा 5 किलोमीटर, ठीक है, ये 10 हो गया और इधर कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। इसके बाद में और फिर वह दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है, कितने किलोमीटर, दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है, इसका राइट हैंड साइड किधर है दोस्तों, राइट हैंड साइड ऊपर है, ठीक है ना, और कितने किलोमीटर जाता है, 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर यहीं पे आ जाएगा वापस से, क्योंकि इतनी दूरी 10 किलोमीटर की है, तो 10 किलोमीटर की दूरी भी इतनी ये आ जाएगी, यहां पे आ गया पैर दोस्तों, ठीक है ना भाई, पहले इधर गया 10, फिर इधर 5, फिर इधर वापस कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। यहां से उसे सीधा घर पहुंचने के लिए कितना किलोमीटर जाना होगा, अब मेरे प्यारे दोस्तों आपसे ये पूछा गया है, जब इस जगह ये आ गया है, ठीक है, तो इस जगह से इसे सीधा घर पे पहुंचना है, तो बताओ इसे कितना किलोमीटर जाना होगा, तो आपको यहां से और यहां तक की बीच की दूरी देखनी है, तो आप कहोगे जब सर हमको यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको ये तो दे रखा है ना ये दूरियां, जब हम कह सकते हैं एक नियम होता है प्यारे दोस्तों कि दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी क्या होती है, समान होती है, क्या होती है, समान होती है, तो ये दो समांतर रेखा है कि नहीं, होता एक ये रही एक ये रही, प्यारे दोस्तों जब इसकी 5 है तो ये भी कितनी होगी, 5 होगी, कैसे, इन दोनों के बीच में यदि 5 है प्यारे दोस्तों तो यहां भी कितनी होगी, 5 ही होगी, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो आप ये कह दोगे कि सर इसके यहां से यहां पहुंचना है, इसके घर पे पहुंचना है, तो इसे कितना चलना पड़ेगा, 5 किलोमीटर चलना होगा, तो इसका आंसर कितना आ गया भाई दोस्तों, 5 किलोमीटर, इसको उतार लीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं प्यारे दोस्तों सेकंड पे, तो वीडियो को रोक लीजिए और इसका आंसर उतार लीजिए, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, क्या कि प्यारे दोस्तों अब जो पेपर लगेंगे आपके, क्या अब जो पेपर लगेंगे उसका लिंक, उसका लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है प्यारे दोस्तों, किसमें, डिस्क्रिप्शन, जैसे आप वीडियो चलाते हो, ठीक है ना, वीडियो चलाओगे तो नीचे नाम आता है यूएस तमर कृषि फाउंडेशन जेट BHUICR स्पेशल स्पेशल BHU स्पेशल केमिस्ट्री स्पेशल एग्रीकल्चर, जस्ट उसके नीचे आता है क्या, पूर्वी राजस्थान का नंबर 1 कृषि संस्थान। अब जैसे इसके नीचे कैसे देखना है, हमको क्लिक करना है, जैसे वो नाम आता है ना हमारा यूएस नंबर, उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, उसमें अपना नाम आएगा पूर्वी राजस्थान का नंबर 1 कृषि संस्थान, उसके नीचे लिंक आएगा आपका,
उस लिंक पे क्लिक करके आपको वहां से टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे हम, ठीक है भाई दोस्तों। तो वहां पे जाके देखना है, एक बार मैं आपको डेमो डाल दूंगा, फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कॉल करके पूछ लेना, ठीक है भाई दोस्तों। तो आपको जो लिंक देंगे हम कहां पे देंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे देंगे, ठीक है भाई दोस्तों। तो आपको वहीं से ही वो वीडियो आपको टेस्ट पर देना है। तो अब इससे क्या फायदा मिलेगा, इससे ये फायदा मिलेगा जो हमारी क्लास रेगुलर ले रहा है उन बच्चों को सीधा ही फायदा मिल जाएगा, ठीक है भाई दोस्तों। हम ये चाहते हैं जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उन बच्चों को सीधा फायदा मिलना चाहिए, ठीक है भाई दोस्तों। अब हम चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, तो इस वाले को मिटा देते हैं, कोई दिक्कत है क्या? चलो देखिए भाई दोस्तों, सेकंड जो क्वेश्चन है आपका ये है कि मोहन 15 मीटर पूल की ओर चलने के बाद, ठीक है, अब आप सीधा क्या करोगे, अब तो फटाफट से ये बनाओगे सर, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो सबसे पहले इसको बना लिया आपने, ठीक है। इसके बाद में भैया दोस्तों 15 मीटर कहां चल रहा है, पूर्व की ओर मोहन, तो पूर्व में गया कितने किलोमीटर, 15 मीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं है, मीटर में है। चलने के बाद वह किधर मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, कहां पे, इसका राइट हैंड साइड किधर है भैया दोस्तों, नीचे की साइड है, तो राइट हैंड साइड मुड़ता है भैया दोस्तों यहां पे, और 20 मीटर चलता है, 20 मीटर थोड़ा बड़ा होगा 15 से, ये 20 मीटर आ गया, ठीक है भैया दोस्तों। अब इसके बाद में ये देखिए, चला और वह पुनः दाएं मुड़ा, इसके बाद वापिस से उसे किधर मोड़ दिया, राइट मोड़ दिया, तो राइट किधर आएगा, इसका इधर आएगा, जैसे मैं नीचे जा रहा हूं तो मेरा राइट ये रहा, ठीक है, तो इसे राइट मुड़ा और कितना चला, पुनः दाएं मुड़कर 15 मीटर चला, मतलब इधर चला ये राइट हैंड साइड 15 मीटर, ठीक है 15 मीटर चला। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर है, अब हमसे प्यार दोस्तों ये पूछा गया है कि वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर है, तो आप तो ये कहोगे कि सर प्रारंभिक बिंदु से दिशा कौन सी आ रही है, दक्षिण आ रही है, और रियलिटी में सही भी है, दक्षिण दिशा में तो ये, ठीक है ना, कहिए मत कहना कि सर ये पश्चिम की ओर मुंह करके जा रहा है, तो पश्चिम इसका आंसर आएगा, आंसर पश्चिम नहीं आएगा प्यार दोस्तों, क्या आएगा, दक्षिण आएगा, क्यों, इसने ये पूछा है कि ये दिशा से ये किस दिशा में हो रहा है प्रारंभिक। देखो प्यारे दोस्तों यहां पे ये जो वर्ड है ना, ये प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर है, तो इस इससे इसकी ओर देखना है हमको। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ इसका मुंह किस दिशा की ओर है, तो मुंह के लिए तो आप ये कहोगे सर मुंह तो इधर की साइड है पश्चिम की ओर, लेकिन प्रारंभिक बिंदु से जब बात की जाती है प्यारे दोस्तों, तब इसका मुंह किधर की साइड है, ओशर, ये किधर की साइड है, खुद खुद दक्षिण साइड की ओर है। अच्छा प्यारे दोस्तों आप, मैं ये कहूं कि प्रारंभिक बिंदु से इसे ऐसे करते हैं, एक क्वेश्चन आपसे बोलता हूं कि इसे कितना दूरी तय करनी होगी कम से कम, जिससे अपने घर पहुंच जाए, तो आप क्या कहोगे, सर कम से कम दूरी तो यही है ना, कम से कम दूरी तो यही है, तो यही तो चलनी होगी, तो वही बात आ गई कि दो ऐसे ही, सबने पढ़ाया आयत, पढ़ाया आयत, आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है प्यारे दोस्तों, बराबर होती है। अब मैं आपसे ये कहूं कि ये 15 है तो बताओ ये कितनी है, तो आप कहोगे सर कितनी है, 15 है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये 20 है तो बताओ ये कितनी होगी, तो आप कहोगे सर ये भी कितनी है, 20 ही है। तो जो आमने सामने की भुजा होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। उसी प्रकार प्यारे दोस्तों ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो आप ये कहोगे सर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी क्या है, बराबर ही होगी, ठीक है भाई दोस्तों। तो ये भी कितनी आ गई, 20। तो इसका आंसर तो ये था हमारा कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो कौन सी दिशा में है, दक्षिण दिशा में, इसका आंसर तो क्या होगा, दक्षिण। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया कि ये किस दिशा की ओर मुंह करके जा रहा है, तो आप क्या कहोगे सर, पश्चिम की ओर जा रहा है। एक मैंने वो क्वेश्चन पूछा आपसे क्या, ये कितनी दूरी तय करेगी घर पहुंच जाए कम से कम,
तो कम से कम कितनी दूर तय करेगा, 20 मीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसको उतारिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको यहाँ पे तीनों चीज क्लियर करके बताई है, अब आपसे तीनों क्वेश्चन यदि पूछ लिए जाए तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्यारे दोस्तों इसमें प्रारंभिक बिंदु से दे रखा था, हमने प्रारंभिक बिंदु से ज्ञात कर लिया। पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें यह था कि किस दिशा की ओर चल रहा है, दिशा में कोई दिक्कत ही नहीं है। एक क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, वो भी हमने निकाल लिया। क्वेश्चन किसी भी प्रकार का मिल जाए प्यारा दोस्तों, बिल्कुल भी हमको घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? बेसिक तो हम जानते ही हैं। जब बेसिक हम जानते हैं तो हमको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए प्यारे दोस्तों, और हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे आपके लिए एक और टाइप के साथ, आपके साथ अध्ययन करेंगे और कोशिश करेंगे बेस्ट से बेस्ट आपको दिया जाए। ठीक है प्यारे दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।